अपोजिट लाइट है यार। हाँ तू बोलना, जैसे बोलेगा वैसे आएंगे वो। यहाँ से लेकर यहाँ से लाना है। अब लोग वहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहे हो? अपोजिट लाइट है ऐसे। पार्टी नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे उसको? हाँ ये आप साइड में जा रहे हैं। ए पार्टी हो रहे हैं, सबे पार्टी हो, चला। चलो नहीं, रुको रुको। चलो दो मिनट रुको। Hello,
हाँ चलो हाँ सर ओके दादा बाजू लो ये रे सेल्फी से टाइम नहीं तो बाजू हो ना यार बुढ़े ओके सर थैंक यू सर चल रहे जी मेरी आने वाली पिक्चर काशी जिसमें मेरी बहन गंगा हो गई है और काशी जो किरदार जिसको मैं निभा रहा हूँ वो अपनी बहन को अलग अलग जगह दर दर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उस खोज के दौरान वो बहुत सारी सीक्रेट्स और बहुत सारी पहेलियाँ उलझी भी है जो इवेंचुअली सुलझती भी है और कैसे वो अपनी बहन को खोज पाता है या नहीं वो हमारी फिल्म आने वाली काशी फिल्म है उसकी कहानी है और आज हम लोग आए ये पोस्टर लेकर के शहर अलग अलग जगह ढूंढे गंगा को आज तक मिली नहीं है तो उम्मीद है कि शायद कहीं आज इस शहर में जा ढूंढे तो कहीं कुछ हमें कुछ किस्म का लीड मिल जाए जिससे मैं गंगा तक पहुँच पाऊँ ट्रेलर इसका परसों आ रहा है परसों ट्रेलर रिलीज होगा और फिर आने वाले दिनों में जैसे ही अलग अलग प्रमोशन होते हैं हम लोग प्रमोशन करेंगे और पिक्चर रिलीज हो रही है 26 अक्टूबर तो क्या सब्जेक्ट क्या है फिर मैं जानना चाहूँगा किस तरह की फिल्म है और क्या कहने की कोशिश करिए इस फिल्म के माध्यम से मैंने कहा थ्रिलर पिक्चर है और बहुत सारे पहलू हैं थ्रिलर पिक्चर को समझाना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत सारे लेयर्स हैं बट बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग स्क्रिप्ट मेरे नसीब लगी और इसमें कुछ प्रिपरेशन भी करनी पड़ी एज एन एक्टर डोम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ तो डोम चूँकि उनकी दुनिया क्या होती कैसी होती उसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था तो कुछ दिनों जाकर के बनारस में मैंने बिताए और डायलैक्ट भी हमने यूपी की रखी हुई है तो वो डायलैक्ट पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ा तो एक्साइटिंग रहा एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए और पिक्चर तो वेल हम सबको बहुत पसंद आ रही है अब उम्मीद है कि आप लोग जब देखेंगे आप लोग भी शायद पसंद आएगी जुहू चौपाटी पर आप अपनी बहन गंगा को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ के लोगों से क्या अपील की आपने सर्च करने में और जी उन्होंने आपने डिमांड की कैसे हेल्प बस उनसे यही पूछा कि अगर उन्होंने कहीं देखी है इस तस्वीर को उससे ज़्यादा तो आप कोई डिमांड या कोई अपेक्षा कर नहीं सकते हो आप उम्मीद करते हो कोई बोल दे कि हाँ कहीं देखा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो आप आगे चलते और देखते कहीं और आगे मिल जाती है तो शायद कोई सुराग या कोई लीड और देख सकते हैं क्या होता है और ये काफी इनोवेटिव तरीका है मतलब प्रमोशन करने का पहले भी ऐसा हुआ ये पहली बार नहीं है तो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है यू नो व्यूअर्स को या जो लोग फिल्म देखने वाले हैं ये कितना इन्फ्लुएंस होता है ये तो पता नहीं है लेकिन हमें लगा कि एक चूँकि काशी इन सर्च ऑफ गंगा पिक्चर का नाम वैसा है तो चीख चीख के पिक्चर अपने प्रमोशन के लिए ये मांग रही थी कि इस किस्म की कुछ प्रमोशन हो हमारी मार्केटिंग टीम प्रोड्यूसर साहब ने सब मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरीके से इसकी प्रमोशन की जाए तो प्रमोशन कर रहे और कौन कौन सी जगह आप मुंबई में जाकर ढूंढने वाले हैं अपनी बहन अभी हम लोग जा रहे मेरा ख्याल है किसी स्टेशन जा रहे हैं और हम लोग गणपति के पंडाल पे जा रहे हैं और हम लोग दो तीन जगह और जा रहे हैं जी हम ऐसा माने कि 26 अक्टूबर को हो सकता है शायद ये गंगा जो आपकी बहन है शायद हमें उनका सर्च पता चल जाए जी 26 अक्टूबर को आपको पता लगेगा कि गंगा मिलती है नहीं मिलती है और क्या होता है जी शुक्रिया थैंक यू सो मच